लेफ्ट वाला ग्राफ देख करें तो राइट सवाल वाला रिजेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट हाँ वाला रिजेक्ट नहीं यही होगा। सवाल है। ये जुमला ही गलत है कि लेफ्ट वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा हमें सोचना ये है कि ये टोटल एक ही ग्राफ है, अगर इस वाले स्लाइड को देखें तो ये दो ग्राफ आपको लग रहे हैं, ये बेसिकली एक ही ग्राफ के पार्ट है लेकिन अनकनेक्टेड है। अच्छा अच्छा सही है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे आपको ये सारे नोट्स दे दिए जाएंगे और आपसे पहले के बताओ ये कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड। देने का तरीका जो है यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इस मेथड से आपको दिया जाएगा। अब आपको 11 नोट्स होंगे और 11 नोट्स में से फिर हर एक की कनेक्टिविटी शो कर दी जाएगी। अगर मैं इस फॉर्मेट में आपको इनपुट दूंगा तो आप नहीं कह सकते कि ये कनेक्टेड है, मशीन देख के कैसे बताए कि कनेक्टेड है। उसको कोई ना कोई मैकेनिज्म उसको लिखना होगा, वो मैकेनिज्म बेसिकली यहाँ पे लिखा है जो आगे एल्गोरिथम उसको बेसिकली हमें ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है कि वो अनैरे टू बाइनरी कन्वर्जेंस है, उनके अगर कोई सैंपल क्वेश्चंस मिल जाए तो आसानी हो जाएगी। यदि भी तो बाइनरी तो आप करना ही आपने है तो मैं सैंपल कह दूं, नेट पर लो बुक में देख लो। नहीं अगर वो सर कर तो रहा है मगर अगर कोई एक्स से सैंपल क्वेश्चंस मिल जाए और अगर कोई आपके पास कोई रेफर लिंक हो या कोई, हां मैं दे दूं तो वो भी देता हूं, वो काइंडली शेयर कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। कोई ठीक है, असल में ढूंढना ही होता है कि होगा कैसे, तब हम उसको वही ना एल्गोरिथम बन जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते होंगे। जी सर समझ में तो आ गया वो बिल्कुल, जिस तरह आपने सारी चीजें देखी और वो जो आपने क्वेश्चन करने के लिए दिया वो भी समझ में आ रहा है, मगर इसके अलावा अगर दो चार और चीजें मिल जाती तो आसानी हो जाती है, एंड जोन प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी। देखो पेपर के हवाले से हम आखिर में भी डिस्कस कर लेंगे, पेपर में क्या होगा, अभी हम सारे सवालों के जवाब दूंगा तो बड़ी कंफ्यूजन से शुरू हो जाती है कि पेपर में क्या होगा ये क्या होगा। अभी ये किसी ने पूछा है सलमान खान ने कि पेपर में क्या होगा, ये जो डॉट डॉट जो लगा रहा है ना वो जरा मैं रोक सकता हूँ तो रोक देता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें अपने एंड से रोक। क्लास तो मुश्किल होती जाएगी, मुझे भी नहीं मिलती, बच्चे ये वाली हरकतें कर रहे होते हैं क्लास के दौरान, तो मुझे भी सिक्योरिटी नहीं मिलती कि इसको रिस्ट्रिक्ट किस तरीके से करें। नहीं नहीं चाहिए।